गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम एंड ऑल्सो यू आर डूइंग योर डूंगम वर्क ऑफ चैप्टर ऑफ जियोग्राफी द नेम ऑफ द चैप्टर इज ह्यूमन रिसोर्स क्वेश्चन वन फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन इज विच एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाई इज दिस सो क्वेश्चन फर्स्ट में हमने डिस्कस करना है कि वर्ल्ड के कौन से एरियाज हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं मतलब जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वाई इज दिस सो और वो एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड क्यों हैं उनका रीजन देना है आंसर इज वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया आर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फर्टाइल रिवर वैलीज एंड प्लेन्स वर्ल्ड का जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका जो वेस्ट और ईस्ट पार्ट है वो डेंसली पॉपुलेटेड है और इसके डेंसली पॉपुलेटेड होने का जो रीज़न है वो क्या है कि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल हैं लिविंग के लिए फर्टाइल रिवर वैलीज हैं यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो फर्टाइल एरिया बनाती हैं और यहाँ पर प्लेन्स हैं प्लेन्स लिविंग कंडीशंस के लिए बेटर होते हैं तो यहाँ पर क्या है पॉपुलेशन डेंस है नेक्स्ट एरियाज हैं वेस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका टे क्योंकि यहाँ पर जो मिनरल वो काफी ज्यादा मिलते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी हैं एंड बेस्ट सुटेबल क्लाइमेट फॉर लिविंग और यहां पर रहने के लिए क्लाइमेट भी सुइटेबल है क्वेश्चन टू इज डिस्कस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट यहां पर आपको बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में डिफरेंस बताना है बर्थ रेट द नंबर ऑफ बर्थ्स एवरी ईयर फॉर एवरी थाउजेंड पीपल इन द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस बर्थ रेट का मतलब है किसी भी जगह की पॉपुलेशन में हजार लोगों पर कितने लोगों का जन्म हुआ हर साल डेथ रेट डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स एवरी ईयर फॉर एवरी थाउजेंड पीपल इन दॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस डेथ रेट का मतलब है कि किसी प्लेस की पॉपुलेशन में प्रति एक हजार लोगों पर हर साल कितने लोगों की डेथ हो जाती है इसे कहते हैं डेथ रेट नाउ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन अब हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है इसे डिस्कस करना है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिंपली डिफाइंड एज द पैटर्न इन विच पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर दर्ल्ड इट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल फैक्टर्स करना है कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक पैटर्न होता है जिसमें लोग पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और इनका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पर और नॉन फिजिकल फैक्टर्स पर स्टूडेंट्स आप इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को आपकी जो बुक में ग्राफ दिया हुआ है जो डायग्राम दिया हुआ है उसके हेल्प से भी समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ये आपको इस डायग्राम की हेल्प से आपको शो किया गया है जैसे कि वेस्टर्न पैसिफिक जो एरिया है वहाँ पर ट्वेंटी एट परसेंट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है साउथ ईस्ट एशिया में ट्वेंटी फाइव परसेंट यूरोप में फोर्टीन परसेंट अमेरिका में फोर्टीन परसेंट अफ्रीका में इलेवन परसेंट और ईस्टर्न मेडिटेन एरिया में एट परसेंट है और इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये पैटर्न है वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पर और नॉन फिजिकल फैक्टर्स पर जैसे कि आपने बुक में स्टडी किया है फिजिकल फैक्टर्स हैं रिलीफ एंड टोपोग्राफी नेक्स्ट इज क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन सॉइल मिनरल रिसोर्सेज एटसेट्रा और नॉन फिजिकल फैक्टर्स में कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं हम इंडस्ट्रीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज एट्सेट्रा स्टूडेंट्स आप चाहें तो इनको आप अपने क्वेश्चन में मैंशन कर सकते हैं इट्स अपॉन यू नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन फोर दैट इज कितनी संख्या है इसे हम सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वन इज प्लेट्यूज आर लेस पॉपुलेटेड इन कम्पेरिजन टू प्लेन्स वाई इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है कि जो प्लेट्यूज होते हैं वहां पर पॉपुलेशन कम होती है अगर हम प्लेन्स में पॉपुलेशन की तुलना करें तो ऐसा क्यों होता है कि प्लेन्स में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और जो प्लेट्यूज है वहां पर पॉपुलेशन कम होती है तो हमने टारगेट करना है प्लेट्यूज़ एरिया पर पॉपुलेशन के कम होने के क्या रीजंस हैं आंसर इज़ प्लेट्यूज आर लेस पॉपुलेटेड इन कंपैरिजन टू प्लेन्स बिकॉज सिंपल सा रीज़न है बिकॉज ऑफ टफ़ लिविंग कंडीशंस क्योंकि प्लेट्यूज सी लेवल से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं अराउंड सिक्स हंड्रेड मीटर के अराउंड होते हैं और जो प्लेन्स होते हैं वो फ्लैट लैंड होती है जहाँ पर एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बहुत इजी होती हैं और प्लेट्यूज़ पर इनके कंपैरिजन में प्लेन्स के कंपैरिजन में ये फैसिलिटीज डिफ़िकल्ट होती हैं तो लोग प्लेन्स में रहना प्रेफर करते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि प्लेट्यूज में पॉपुलेशन लेस होती है बिकॉज ऑफ टफ लिविंग कंडीशन क्वेश्चन टू इज डिस्कसेशन कम्पोजिशन कम्पोजिशन इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन पॉपुलेशन कम्पोजिशन को हम डिफाइन करते हैं कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है और पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में हम कौन सी टर्म्स को इंक्लूड करते हैं एज लिटरेसी सेक्स एंड ऑक्युपेशन आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन अब हम इन सभी कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं फर्स्ट इज एज कंपोजिशन इट इज सिंपली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्संस इन ईच एज ग्रुप इस एज कंपोजिशन का मतलब है कि ईच एज ग्रुप में नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं तो कौन-कौन से एज ग्रुप होते हैं बिलो 15 इयर्स एज में इंक्लूड होते हैं चिल्ड्रन 15 इयर्स टू 65 फिफ्टीन ईयर्स टू सिक्सटी फाइव ईयर्स में हम अडल्ट uh, को इंक्लूड करते हैं एंड पीपल अबव सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑफ एज ग्रुप आर कोल्ड एजिड ग्रुप ठीक है तो नेक्स्ट है हमारा सेक्स रेशो इट इज डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन टोटल पॉपुलेशन सेक्स रेशो अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था अब हम बात करते हैं टू थाउजेंड वन डेटा की इन टू थाउजेंड वन द सेक्स रेशो वॉज नाइन थर्टी थ्री फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स इन इंडिया टू थाउजेंड वन में जो सर्वे हुआ था उसमें जो पॉपुलेशन सर्वे था उसमें इंडिया में थाउजेंड मेल्स में नाइन थर्टी थ्री फीमेल्स काउंट हुई थी जिसे हमने सेक्स रेशो जिसे हम सेक्स रेशो बोलते हैं मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स राइट नाउ द नेक्स्ट इज लिटरेसी इट नॉट इक्वल इन एवरी पार्ट ऑफ़ द वर्ल्ड जो लिटरेसी रेट होता है वो वर्ल्ड में इक्वल नहीं होता हर जगह पर और इसके अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स एज अर्बेनाइजेशन लिटरेसी डिपेंड करती है अर्बेनाइजेशन पर अर्बेनाइजेशन क्या होता है शहरीकरण तो जहां पर शहर होंगे वहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा होगा ये एक रीजन है सोशल स्टेटस लेवल ऑफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एटसेट्रा बहुत सारे रिजनस हैं जो लिटरेसी रेट को इफेक्ट करते हैं इन इंडिया केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट विद नाइन्टी थ्री पॉइंट नाइन वन परसेंट इंडिया में जो केरल स्टेट है सदर्न पार्ट में वहाँ पर लिटरेसी रेट हाईएस्ट है जो है नाइन्टी थ्री पॉइंट नाइन वन परसेंट नाउ द नेक्स्ट वन लास्ट टॉपिक इन दिस क्वेश्चन इज ऑक्यूपेशन इन इंडिया सेवेंटी परसेंट पीपल लिव इन विलेजेस इंडिया में जो पॉपुलेशन uh, का सेवेंटी परसेंट है वो गांव में रहते हैं एंड एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर और वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं अर्बन एरिया इन इंडिया एंगेज इन सर्विस सेक्टर और जो इंडिया का शहरी एरिया है वहां पर जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंगेज हैं नाउ क्वेश्चन थ्री इज हाउ डू रिलीफ एंड टोपोग्राफी इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हमने बच्चे इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था जब जिसमें मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग है तो अलग अलग एरियाज में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अलग होने के जो रीजंस हैं जो उनके फैक्टर्स हैं उनमें रिलीफ और टोपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर तो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि रिलीफ एंड रिलीफ एंड टोपोग्राफी से क्या मतलब है तो रिलीफ और टोपोग्राफी का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड मार्स उन वर्ल्ड जैसे कि माउंटेन्स डेजर्ट प्लेट्यूज प्लेन्स एक्सेट्रा तो इनका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू लिव ऑन प्लेन्स इंस्टेड ऑफ प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स ज्यादातर लोग प्लेन्स में रहना प्रेफर करते हैं प्लेट्यूज और माउंटेन्स की बजाय बिकॉज रीजन क्या है प्लेन्स प्रेफर करने का प्लेन प्लेन्स आर वेल सूटेड फॉर प्लेन्स अच्छे होते हैं लिविंग रहने के लिए एग्रीकल्चर करने के लिए एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कैनाल्स बिल्डिंग्स रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा और रोड्स की कैनाल्स की रेलवे लाइन्स की कंस्ट्रक्शन के लिए प्लेन्स बेस्ट सूटेड होते हैं एग्रीकल्चर इज इजी इन द प्लेन्स प्लेन्स में एग्रीकल्चर करना प्लेन्स मतलब फ्लैट लैंड फ्लैट लैंड पर एग्रीकल्चर करना बहुत आसान होता है एंड इट इज़ नॉट टफ टू सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू और वहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता प्लेस सपोर्ट मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर हम डेटा की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की नाइन्टी परसेंट पॉपुलेशन प्लेन्स में रहती है नाउ द क्वेश्चन फोर इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रूरल अर्बन डिवाइड रूरल अर्बन डिवाइड पर हमें नोट लिखना है रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी रूरल पॉपुलेशन कम्प्राइज द पीपल लिविंग इन विलेजेस रेजिडेंट्स ऑफ सिटीज आर अर्बन तो रूरल पॉपुलेशन कौन सी है वो लोग जो गाँव में रहते हैं रूरल पॉपुलेशन बनाते हैं और जो शहरों के नागरिक हैं उन्हें हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं द डेटा ऑफ टू थाउजेंड फोर डिपिक्टट अराउंड फोर्टी सेवन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अर्बन 2004 के जो डेटा है जो सर्वे किया गया उस डेटा में क्या तथ्य सामने आया कि 47 सेवन परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 47 परसेंट अर्बन है मतलब शहरों में रहता है इन आवर कंट्री अब हम बात करेंगे अपने देश की अराउंड सेवेंटी पीपल स्टिल लिव इन विलेजेस इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का जो सेवेंटी परसेंट है वो गांव में रहता है द मेजर रीज़न इज़ दैट इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री और इसका मेजर रीज़न क्या है इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है वेयर ए मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और इंडिया की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है ज़्यादातर जो लोग हैं इंडिया में वो एग्रीकल्चर करते हैं इसीलिए इंडिया का जो सेवेंटी परसेंट पीपल हैं वो गांव में रहते हैं students here we have completed question answer part of chapter 9 write down this in your fair notebook in neat and clean handwriting thank you have a nice day